नमस्कार फोकस पॉइंट को आपन को स्वागत करूछ मु स्वागतिका आजर फोकस पॉइंट रे अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि जनत्रे एबे रक्तर छिटा जम्मू काश्मीर रे बढुछि आतंकवादी को बर्बरता कुलगांव रे जने बैंक मैनेजर को गुली करी हत्या करिछंती आतंकवादी एहा को नै प्रशासन ओ पुलिस विरोध रे तेजुछि असंतोष जा अनुमान कर जाउतला ताहा ही हैला पद्म गाड़िया रे बुड़ पकाइले गुजरात रो युव पटीदार फिगर हार्दिक पटेल वरिष्ठ नेता को उपस्थिति रे बीजेपी रे शामिल होइछंती दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को परी गिरफ हेबे की उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया काहे के भले आशंका कले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एबे भी युद्ध भूइरु सुभुचि साइरन यूक्रेन उपरे आक्रमण जारी रखिछि रुसिया केबे सरिबो युद्ध ताहा संदेह रे पंजाब तमिलनाडु परे बिहार आसीछि धर्मांतिकरण रा दृश्य ए तमाम खबर को नै चलंतु आरंभ करबा आजर फोकस पॉइंट जम्मू और काश्मीर में बढ़ुची आतंकवादी बर्बरता जने शिक्षयत्री को हत्या करने पर जने बैंक मैनेजर को हत्या कर आतंकवादी बैंक में पशि हत्या कर दृश्य सीसीटीवी कैद हो बारंबार साधारण लोकों हत्या करेजुच्च असंतोष काश्मीर पंडित मैंने जम्मू जावाई जिद धरी बस केन्द्र सरकार जम्मू और काश्मीरवासी सुरक्षा जगै देवे फेल मारी अभोग कर विरोधी दल एपटे लागि रहिथिबा स्थिति नै जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजी डोभाल सहित आलोचना करिछंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह साधारण लोकंकु निर्मम भावे गुळी करि हत्या करजाथिबारु याकु सहजरे ग्रहण करि पारु नहंती जनता धीरे धीरे प्रशासन और पुलिस विरोध रे तेजुछि असंतोष सरकार और पुलिस जम्मू और काश्मीर बासंकु सुरक्षा देवार फेल मारिथिबा अभियोग होछि एबळकि समस्यार स्थायी समाधान करि रास्ता को ओह्लाइछंती लोके सरकार एथिप्रति दृष्टि देवा को दाबी होची निर्दिष्ट संप्रदायर लोकों को टारगेट करा जाउथवा अभिजोग आसेची राजस्थानी बैंक मैनेजर था जिसको मारा आज क्या कसूर था उसका क्या गलतियां की रजनीवाला की क्या गलती थी तो टीचर थी पढ़ा रही थी राहुल भट्ट की क्या गलती थी वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो तो ये जो मौतें हैं हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती स्थिति एभली होछि अनेक पंडित मैंने काश्मीर छाड़ी जम्मू अभिमुखे यात्रा आरंभ करछंती निजक सुरक्षा मन करूणु काश्मीर छाड़ी जीवाई बाध्य रास्त जावा बेले जो सुडंग और घाटी पड़ो सेडर पुलिस सहायता करने अपिल कर पंडित मैंने पुलिस को जम्मू में रही अनुरोध करुले मानु ना देखा मिली जम्मू और काश्मीर में बढ़ुची कि आतंकवादी दबदबा जनक पर जनक कर हत्या साधारण लोकों को टारगेट करछंती आतंकवादी एभली करी पुलिस को चैलेंज करछंती कि आतंकवादी साधारण लोकों को आतंकवादी माने टारगेट करबा परे या कुने जोर धरिछि राजनीति केंद्र सरकार जम्मू और काश्मीर प्रति ध्यान देबा जरूरी एनडीए सरकार जम्मू और काश्मीर शांति बजाय रखिबारे विफल होइतबा ट्वीट करि कहिसंती राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्ये सरकार को समालोचना करबा सह काश्मीर पंडित मानकु सुरक्षा जगाय दिया जाउ बोली दाबी करछंती काश्मीर विभिन्न प्रांत में विभिन्न राजनैतिक दल माने केंद्र सरकार को विरोध में रास्ता को ओबटे बीजेपी कहती पाकिस्तान आतंकवादी माने घाटी महापाप कर भारतीय सेना जम्मू और काश्मीर पुलिस आतंकवादी को उचित जवाब देवे साधारण लोकों टारगेट कर आतंकवादी माने मानविकतार हत्या करा भाषा बीजेपी निंदा कर दल नेता रवींद्र रायना वो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो शरेआम दिन दिहाड़े कत्ल करके गायब हो जाते हैं और यहाँ की एलजी सरकार बिल्कुल निकम्मी हाथ पे हाथ धरे बैठी है कुछ नहीं कर रही है और ऐसे हमारी डिमांड यही है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ऐसी किलिंग सेलेक्टिव किलिंग करवाने के लिए जहाँ जम्मू का माहौल खराब करने के लिए काम कर रही है इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं मानवता का कत्ल मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया हमारी सेना ने हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए उन्हें सिक्योरिटी चाहिए कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे वहां जाके उन्होंने अपना घर बसाया
लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के, उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। लागू होता स्थित को नहीं शुक्रवार बस हाईलेवल बैठक होगा। यह बैठक में सामिल हे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। से भाई बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। लागू होता स्थित नहीं बैठक में आलोचना हो। दुई दिन पूर्वे जन काश्मीरी पंडित महिला शिक्षयंत्री को गुड़ कर हत्या करते आतंकवादी। या पूर्व काश्मीरी पंडित राहुल बंट को हत्या करते आतंकवादी। उपत्य आतंकवादी सक्रिय होता बेले मुंत्रु जवाब दौरान भारतीय सेना। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। हार्दिक पटेल को रहला नुआ राजनैतिक पार्टी प्रवेश। घरे एवं गोशाला पूजार्चना करी संपूर्ण धर्मीय परिवेश मध्ये भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक उत्तरीय परिधान करी गुजरात जनाशुना पटीदार फिगर। बीजेपी रे से जने छोटो सैनिक भाव में सामिल होती। प्रधानमंत्री नेतृत्व को भूयसी प्रशंसा करने विश्वर गौरव बोली अभिहित करी। तबे केमिति थिला हार्दिक नूतन पार्टी प्रवेश अयमारंभ एवं कौन रही योजना और लक्ष्य आस देखा। चली पूजार्चना शास्त्र अनुजाई शुभकर्मे डाण पटे बसी कर्ता हार्दिक पटेल धर्मपत्नी ब्राह्मण मंत्रोच्चारण सृष्टि भिन्न एक परिवेश। हाँ भिन्न एक परिवेश। नूतन गृह प्रवेश नुहेम यह हे नूतन राजनैतिक पार्टी प्रवेश अयमारंभ। बीजेपी में मिशिवा पूर्व बासभवन में एमती पूजार्चना करते गुजरात जनाशुना पटीदार नेता हार्दिक पटेल। पूजार्चना पर निजर राजनैतिक स्थिति स्पष्ट कर हार्दिक। भारतीय जनता पार्टी से जने छोट सिपाही हो राज्य देश समाज और सर्वोपरि भारत मातार सेवा करे हार्दिक पटेल। प्रदेश हित, जन हित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि राम सेतु के इस कार्य में या जनहित के इस कार्य में या राष्ट्र हित के इस कार्य में जितनी भी मेरी जिम्मेवारी होगी, मेरी जितनी जिम्मेवारी तय की जाएगी उस हिसाब से माँ भारती की सेवा में, सरदार और गांधी के इस गुजरात की सेवा में और जिन समाज ने हमें इतना बड़ा बनाया है उनकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस रे कार्यकारी सभापति थे हार्दिक पटेल किंतु कार्य किछि नथिला। दल गुरुत्व न देवारु से इस्तफा देदेले। एबे से बीजेपी रे मिसिथिबा परे दल जेउ कार्य देबो ताहा करबाकु से प्रस्तुत बोली कहछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व को से भूयसी प्रशंसा करिछंती। आ हार्दिक को कथारु स्पष्ट बारी होइ जाउची अर्थात वर्षा जुआरे छता सियारे। हार्दिक बीजेपी रे मिसिबा सह दलर काया आहुरी वृद्धि कराइबाकु योजना रखिछंती। प्रति 10 दिन रे कैंपेन करी कांग्रेस समेत अन्य जे कोनोसी दलर नेता ओ कर्मी को बीजेपी फोल्ड को आनिबाकु लक्ष्य रखिछंती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देशर स्वाभिमान नुहंती बरं सारा विश्वर गौरव बोली से कहिछंती। देखिए स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जब दोपहर 12 बजे के बाद हिस्सा बनेंगे वहां भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। दिन थिला नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन बीजेपी विरोध में युद्ध देही डाकरा देही राजनीतिर लाइम लाइट को आसीथिले हार्दिक पटेल। खूब कम वयस रे मोदी को भली चल राजनैतिक फिगर को से देउथिले चैलेंज किंतु एबे से बीजेपी रे मोदी को नेतृत्व रे ही काम करबा को जाउछंती।
तबे एहा केमिति हला संभव सुनंतु कोन कहउछंती हार्दिक बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है निगम नगर निगम के जो सदस्य है उनको जोड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अवृत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मुरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। घरे पूजा अर्चना परे नुआ पार्टी प्रवेश पूर्व गोशाला को जाई गोमाता को मध्य पूजा अर्चना करिछंती हार्दिक पटेल। गोशाला रे पूजा अर्चना परे आरंभ होइतिला हार्दिक पटेल कर बीजेपी रे शामिल हेबा पर्व। राज्य बीजेपी नेता एवं साधु संतों उपस्थित रे आयोजन होइतिला मिश्रण पर्व जोठी प्रथमे साधु संत माने हार्दिक कपाल रे तिलक लगाइ देबा सह धर्मीय उत्तरीय पकाइ देथिले। परे पद्म चिन्ह थिबा बीजेपी उत्तरीय पिंधी भारतीय जनता पार्टी रो सैनिक साजिछंती गुजरात रो पटीदार नेता हार्दिक पटेल। सत्ता के सामने जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने लड़ते हुए जनहित का काम किया जा सकता है। आप एक एडिटर है तो स्वाभाविक है आप अपने मालिक से ही बात करेंगे, दूसरे चैनल के मालिक से तो बात करने नहीं जाएंगे ना। तो जनता होती है वो सत्ता से बात करती, सत्ता से मांगती है। बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां नहीं जाता। हाँ, गुजरात रो पटीदार पॉलिटिक्स रे हार्दिक होछंती बीजेपी रो सैनिक। 2019 रे कांग्रेस रे से शामिल होइथिले किंतु ता पूर्वरु 2017 विधानसभा निर्वाचन रे कांग्रेस को करथिले पूर्ण समर्थन। जेउथि पई गुजरात रो 182 आसन रु 77 टी आसन हाते परे सक्षम होइथिला कांग्रेस। 2017 विधानसभा निर्वाचन फलाफल बीजेपी पई थिला सतर्क घंटी। जेउथि पई 2022 ती निर्वाचन रो जथेष्ट पूर्वरु सतर्क होइ जाइथिबा बीजेपी एबे हार्दिक को पोल को नै कांग्रेस विरोध रे बड पॉइंट स्कोर करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुणि केंद्रीय एजेंसी रो राडार रे दिल्ली सरकार को आउ जणे मंत्री सतेंद्र जैन को परे मनीष सिसोदिया हेबे कि गिरफ। स्वास्थ्य मंत्री को परे पडुछि कि शिक्षा मंत्री को पाळी कोण कहिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विश्वस्त सूत्र। सेई समान विश्वस्त सूत्र सतेंद्र जैन को बाबत रे जहां कहिथिला एबे काले मनीष सिसोदिया को बाबत रे सेई समान कथा कहिछि। नीचे केजरीवाल एहा कहउछंती सिसोदिया विरोध में मिछ मामला ठुंकिबा को केंद्र सरकार काले समस्त केंद्रीय एजेंसी को निर्देश देथिबा केजरीवाल को सूचना देछि तांकर विश्वस्त सूत्र। पुणि विश्वस्त सूत्र देछि सूचना। जो विश्वस्त सूत्र सतेन्द्र जैन को बाबत रे सूचना देथिला एबे सही सूत्र दिल्ली सरकार रो अन्यतम मंत्री मनीष सिसोदिया बाबत रे देछि समान सूचना। खूब शीघ्र गिरफ हेबे दिल्ली उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एहा कहिछंती मनीष सिसोदिया को मिछ मामला रे छंदी गिरफ करबा को केंद्र सरकार समस्त केंद्रीय संस्था को निर्देश दैथिबा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काले सूचना दैछि तांको विश्वस्त सूत्र। केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है, मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। केजरीवाल को कहिबा कथा मनीष सिसोदिया ही दिल्ली रो शिक्षा क्षेत्र रे आसीथिबा वैप्लविक परिवर्तन रो मुख्य नायक। शिक्षा क्षेत्र रे तांकर अनवरत परिश्रम पई दिल्ली रो 18 लाख पिला उपकृत होइछंती। दिल्ली रो शिक्षा मॉडल को केवल देश रे नहे विश्व रे मध्य प्रशंसा करा जाउछि। तेनो एभली स्थिति रे मनीष सिसोदिया दुर्नीतिग्रस्त कि नहे दिल्ली रो 18 लाख पिला एवं सेमारक बापा मा कहंतु बोली कहिछंती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं,
सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को थर्ड क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? गत जनवरी रे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाबत रे एमती कहिथिले केजरीवाल जहां बे सत होईची एबे पूणी सही समान विश्वस्त सूत्र मनीष सिसोदिया के बाबत रे देची समान सूचना। तबे केजरीवाल को कहिबा कथा एमिति जण जण करी गिरफ करबा अपेक्षा एकाथर के आम आदमी पार्टी रो समस्त नेता को गिरफ करी जेल ले पुराई दियंतु केंद्र सरकार, पुणी एकाथर के सबु तदंत संस्था को लगाई तदंत मध्य सारी दियंतु बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इसे जनता के कामों में बाधा होती है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो, जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो ताकि उसके बाद हम काम कर सके। मनीष सिसोदिया दिल्ली रो शिक्षा व्यवस्था रे वैप्लविक परिवर्तन आनीथिबा पड़े स्वास्थ्य क्षेत्र रे महिला क्लिनिक को सफल कराइछंती सत्येंद्र जैन। एभली स्थिति रे केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सफलता को सह करि परुनांती। ए सब पछरे की प्रकार राजनीति रहिछि ता आम आदमी पार्टी बुझी परुनथिबा कहिछंती अरविंद केजरीवाल। मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्त हुई थी दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एवं प्रवर्तन निर्देशालय रिमांड रे आसंता 9 तारीख जाए ईडी कस्टडी रे रहिबे से। आउ एबे अरविंद केजरीवाल कहले मनीष सिसोदिया काले केंद्र सरकार को नेक्स्ट इन टारगेट। मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर से हम आपसे देश की सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। केबे सरीप युद्ध ए प्रश्न एबे विश्ववासी को मनरे उंकी मारुची ना पछक हटुची यूक्रेन ना आक्रमण बंद करुची रुषिया जहाँफल युद्ध 100 दिन में पहुंचला। आमेरिका सहित अन्य देश माने यूक्रेन को सहायता जगाई देथुबारु जेलेंस्की पछक हटिबा मूड रे नहाती। युद्ध रे उभय देशर अनेक क्षयति है। सेपटे पूर्व यूक्रेन उपरे आक्रमण जारी रखी मस्को। अनेशत दिन में युद्ध पछक हटुना रुषिया और यूक्रेन। यूक्रेन उपरे रुषिया रा आक्रमण जारी। जेलेंस्की को मिलुची अमेरिका सह नाटो सदस्यों समर्थन। दिन गड़ुची हेले युद्ध थमिबार ना नेउनी। गोटे किंबा दुई सप्ताह मध्य युद्ध सरिया नहीं अनुमान करा बेले एबे एहा अनेशत दिन में पहुंची। रुषिया और यूक्रेन उभय जिद्रे अटल रही युद्ध केबे सरिबो से नहीं कहिबा मुश्किल हो पड़ी। रुषिया और यूक्रेन अधिकांश सहर कब्जा कर सारी सत हेले एबे भी राजधानी किव सह एभली अनेक अंचल रही जोटी मस्को सेना पहुंचा संभवपर हो पारुनी। किवे रही युद्ध परिचालना करुछंती यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की। सुचिंतित रणनीति और अन्य देशर सहयोग रे रुषिया उपरे भारी पड़ुछि यूक्रेन। मारियोपुल खार्की बोचा ओडिशा भली सहर उपरे आक्रमण करी सफल हो सारी रुषिया सेना। एबे पूर्व यूक्रेन और जनबसती आड़कु मस्को सेना आक्रमण करुथिबा अभियोग करिछि यूक्रेन। एही अनिश्चित दिन युद्ध भितर उभय देश अनेक क्षति सहिछंती। रुषिया जेभली आशा करुथिला सेभली मिराकिल करिपारी नाहंती पुटिन सेना। फळरे रुषियार अनेक क्षयक्षति होईछि। रुषियार 30,000 रु अधिक सैन्य प्राण हराइथिबा दाबी करुछि यूक्रेन।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଜରଙ୍କ ସହ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ହେଲିକପ୍ଟର, ସୈନ୍ୟ ବୁହା ଗାଡ଼ି, ସାମରିକ ବୋଟ, ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲଞ୍ଚ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ପୁଟିନ ସେନା ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ କବ୍ଜା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାକୁ ସାହସ ଦେବା ସହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସମୂହଙ୍କ ସାମରିକ ସହାୟତାରେ ରୁଷିଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେହିଭଳି ବାଇଡେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି ରୁଷିଆ। ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲାଣି, ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ପାଲଟିଛି ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ, ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଘନ ଘନ ରକେଟ୍ ଓ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସେହିଭଳି ଅନେକ ତୈଳ ଡିପୋ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟକୁ ରୁଷିଆ ସେନା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ଦାବି କରିଛି ମସ୍କୋ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ବାସୀ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ହେବନି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସରିବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରେନି, ଯୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ରଚିଥାଏ, ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ, ଏପରିକି ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ନା ପଛକୁ ହଟୁଛି ରୁଷିଆ, ନା ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ 100 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ମିଶନାରୀ। ବିହାର ଛାପ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର, ଯାହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ହାତରେ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। भैया तुम यहाँ जब कोई ईसाई नहीं है तो तुम चर्च क्यों बना रहे हो? कॉन्फिडेंस से उसने जवाब दिया कि यहाँ कोई नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएंगे, और हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोग ईसाई बन जाते हैं। वहाँ पे चर्च बनाने की तैयारी चल रही है। We at CNN News 18 have time and again exposed the conversion racket. This time it's Bihar, where innocent Dalit families are lured for free education, free ration, medical and even the allurement to get their daughters married. ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର ଚିତ୍ର। ଏବେ ବିହାରରୁ ଆସିଛି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର ଆଉ ଏକ ଖବର। ଏ ହେଉଛି ବିହାର ଚାପ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଅନେକ ଦଳିତ ପରିବାର। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତାଇ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜନ ଦୁଃଖ ବତାଇଲା ଓ ସବୁ ମି ରହଜାମ ଲୋକ ତ ମାନେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ହଁ କି ମାନେ ମାନେ ଶାଦୀ ବିହା ହୋଇ ତ ମଦତ କୁଛ ଲେଖିଆ ସବକେ ଦିଆଇ मिशन में जब आओगे आप लोग तो आप लोगों को लड़की का शादी होगा उसमें जितना पैसा का जरूरी होगा हम देंगे। यदि कपड़ा का दिक्कत होगा हम लोग कपड़ा भी देंगे। खाने पीने का चावल दाल जो भी कमी होगा हम लोग देंगे। मेरे मिशन में आओ आप लोग। लोगों को मागणा शिक्षा, मागणा राशन, चिकित्सा पाई मिलुछी प्रतिश्रुति। जो माने इथरे राजी होंती नाही सेमानक झियो बाहागर करा देबा पाई मध्य कहा जाए। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକେ, ହେଲେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। तो फिर सब कोई आपके पीछे क्यों पड़ा है कि पीछे इसलिए है कि हम उनसे थोड़ा सा परिचित था और जमीन दिलवा दिए। आप किसी के दबाव में आके या किसी तरह के धमकी से होके आप मना कर रहे हैं? आपने कर लिया है धर्म परिवर्तन या नहीं किया है? आप सही से ही बताएं। नहीं किया, नहीं किया, हमें कोई लालच नहीं दिया है और ना ही मैंने किया। किछि दिन पूर्वरु जणे आंध्र दंपति एठरा से चर्च निर्माण पई 13000 वर्ग फुट जमी किणिथिले। स्थानीय अंचल रे कोनो से ख्रिस्टियन संप्रदाय लोके नथिबारु चर्च रो कोनो आवश्यकता बोली पचारिथिले लोके। दंपति को उत्तर थिला धीरे धीरे लोके एठा को आसीबा आरंभ करिवे। We can see the construction materials already laid over here. The villagers opposed and with the help of the VHP and administration, the construction of the church is stopped. Se somore hakur gramabasi ebong VHP sadasya virodh korithile phalore church nirmana bond hoithila. The Bajrang Dal Vishnu Parishad purjor virodh karta hai aur sath hi chetavni bhi de raha hai ki jitne bhi isai missionary jahan par jitne jile mein kaam mein lage hue hain उनको हम खुली तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि वो या तो या जिला छोड़कर चले जाए, नहीं तो हमारे तरफ से जो कार्रवाई होगी इस पर प्रशासन का भी जिम्मेदारी नहीं होगा।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହା ତ ଇହନେ ସିର୍ଫ ଟେଲର ଦିଖାୟା ହେ इन्होंने जगह जगह जाकर कई लोगों का धर्मांतरण कराया है। लगभग 6 लोगों का नाम सामने आया है जो इस ज्ञापन में हम लोगों ने डीएम साहब के सामने बताया कि कैसे वो हिंदू समाज के लोग थे, सरकार में कार्यरत थे, पेंशन ले रहे हैं और काम धर्मांतरण के लिए ऐसे लोगों का काम कर रहे हैं। घटना का तदंत करुची पुलिस हेले धर्मांतरण संपर्क में कौन से निष्पत्ति निया जाई परबो नहीं बोली स्थानीय एसपी कहते रही है। जांच चल रही है, अगर कोई भी ऐसा मामला आता है जिसमें किसी प्रकार की इस तरह की बात आती है तो जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रथम पंजाब तापर तमिलनाडु और एवं बिहार दिन को दिन सामना को आसुची धर्मांतरण गोटे पर गोटे चित्र। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 उड़िया।